या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। साथियों, मैं आज गुप्त नवरात्र पर चर्चा करने आया हूं। आश्चर्य होता होगा ना, जहां गुप्त है वहां चर्चा ही क्यों। लेकिन वर्तमान तकनीकी युग ने अब गुप्त नवरात्र की भी चर्चा प्रारंभ कर दी है। इतना ही नहीं, लोगों ने शुभकामनाएं देना प्रारंभ कर दिया है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हमारे बहुत सारे जो भारतीय धर्मनिष्ठ लोग हैं, उनमें से कुछ लोग निश्चित रूप से परेशान होंगे, ये गुप्त नवरात्र क्या है। नवरात्र शक्ति की उपासना के दिन, शक्ति की पूजा, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो शक्ति की उपासना क्यों, एक छंद से अपनी बात शुरू करेंगे। बलिदान न सिंह का होते सुना, और बकरे बलि बेदी पे लाए गए, कहीं कांटे न टेढ़े पादप गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिए में न थाए गए, और बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा ही सताए गए। बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा ही सताए गए। जिससे धरती पर प्राणी मात्र की उत्पत्ति हुई है और आज तक हम देखते हैं, ताकतवर व्यक्ति हमेशा जीत जाता है। वो शक्ति चाहे धन की हो, पद की हो, सत्ता की हो, या शारीरिक हो। साथियों, दो नवरात्र सब जानते हैं, प्रसिद्ध हैं। एक हमारा चैत्र का नवरात्र वासंती कहलाता है, चैत्र के महीने में जो हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। दूसरा शारदीय नवरात्र कुमार महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, अगले दिन दशहरा, विजयदशमी। ये दो नवरात्र प्रसिद्ध हैं। फिर ये गुप्त नवरात्र कहां से आ गए, सोचने की बात है। भगवान राम ने भी शक्ति की उपासना की थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा रावण जैसे आतताई के पास तमाम शक्ति है, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, और हमारा जैसा सात्विक व्यक्ति शक्तिहीन है। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में लिखा है, भगवान राम बोले, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। फिर उन्होंने शक्ति की उपासना की थी, वो कहानी पर नहीं जाऊंगा, और उन्हें वरदान मिला था। हमारे नवरात्र के नौ दिन हैं, चैत्र वाले और कुंवर वाले। नौ देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्री, पहली शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, दूसरी ब्रह्मचारिणी। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा तीसरा नंबर। कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडा देवी चौथे नंबर पर। पंचमम स्कंदमातेति, पंचमम स्कंदमा है। षष्ठम कात्यायनीति च, कात्यायनी देवी है। सप्तम कालरात्रि, कालरात्रि है। सप्तम कालरात्रि महागौरीति च अष्टम, और महागौरी आठवें पर है। नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, ये नौ देवियां हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, कन्या को देवी के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका पूजन करते हैं। यद्यपि दुर्गा के 108 नाम हैं प्रारंभ में, ये जो गुप्त नवरात्र आए या जो हैं, ये भी साल में दो होते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनको छिपा कर रखा, कहा गुप्त नाम दे दिया, इनके प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कहेंगे नवरात्र क्यों, चार हो गए टोटल नवरात्र। दो वो नवरात्र जो गृहस्थवान के लिए हैं, जो सामान्य प्राणियों के लिए हैं, सीधा साधा जीवन यापन करने वालों के लिए, पूरे परिवार के साथ पूजा करने वालों के लिए। ये जो गुप्त नवरात्र आए, इनमें नौ नहीं 10 देवियों की उपासना शुरू हुई। वो नौ देवियां नहीं हैं जिनके भी नाम लिए मैंने। इनमें नंबर एक पर काली है, नंबर दो तारा है,
नंबर तीन त्रिपुर सुंदरी है, नंबर चार भुवनेश्वरी है, छिन्न मस्तिका है, त्रिपुर भैरवी है, धूमावती है, बगला मुखी है, मातंगी है और कमला है। ये 10 देवियां हैं। इन 10 देवियों की पूजा इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है, मगर गुप्त नवरात्र के नाम से है। क्यों की जाती है? सीधी सी बात, कहा जाता है इसके लिए तंत्र विद्या के जो विशेषज्ञ हैं, ये जो तंत्र विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, घुमा फिराकर मैं तो ये मानता हूं ये सारी चीजें थोड़ा हट करके हो गई। अंगद ने रावण से कहा था 14 लोग तो मरे हुए के समान। उसमें पहला कौल आता है, कौल काम बस कृपिन बिमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, और जीवित सौसम 14 प्राणी। उसमें कौल है वाम मार्गी, उल्टी पूजा करने वाला, किसी को वशीकरण करने वाला। तमाम सड़कों पे महात्मा होते हैं ना, वशीकरण मंत्र लिए घूमते रहते हैं, किसी को वश में करने के लिए, सिद्धि करने के लिए, तंत्र विद्या करने के लिए। हम आपका ट्रांसफर करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम लाठी निकलवा देंगे, हम मुकदमा जितवा देंगे, हम संतान उत्पत्ति करवा देंगे। ये जितने तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं, ठीक है, हमारे देश में हैं, उनके भी देवता माने गए हैं, किंतु वो कार्य थोड़ा जटिल होता है, चाहे वो शमशान की पूजा। और इन 9 दिनों में वही उपासना की जाती है, सिद्धि प्राप्त की उपासना की जाती है। माँ है वो तो मुख्य रूप से दुर्गा है, साफ लिखा हुआ है। इन नवरात्रों में भी जो लोग करते हैं, पहली बात तो बता दूंगा आपको, किसी भी गृहस्थवान व्यक्ति को इन नवरात्रों में उपासना नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे फिर क्यों? हाँ, अगर आप उपासना करते हैं तो इन 9 दिनों में अपनी उन्हीं 9 देवियों की उपासना कीजिए। कौन सी 9 देवी? प्रथम शैलपुत्री, जो मैंने 9 नाम बता दिए, जो दुर्गा सप्तशती में अंकित हैं। इन दिनों की उपासना में भी आप एक काम ध्यान रखें, घर में मांस मदिरा तामसी भोजन कदापि वर्जित है। पूजा माँ की होगी, दुर्गा की होगी, उपासना होगी, किंतु छिन्न मस्ता काल भैरवी, जो इस तरह के तमाम नाम हैं, ये सिद्धिदात्रियों के लिए हैं, सिद्धि प्रदान करने वालों के लिए हैं। वशीकरण का जो वाम मार्गी लोग होते हैं उनकी पूजा के लिए, उनके लिए भी मना है कि इन दिनों निश्चित रूप से वो सात्विक रहें। जो हमारे गृहस्थवान भाई बहन भाई हमारे परिचित हैं, अगर ये करते हैं ठीक है, देवी जी को लाल फूल का माला चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, ओम ऐं चामुंडाय विच्चय नमः का पाठ कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का पाठ कीजिए, देवी पूजीपत कमल तुम्हारे, सुर नरमुनि सब हुई सुखारे, उनके आगे प्रार्थना कीजिए। सिद्धि की क्या आवश्यकता है? अरे आप सरस्वती की उपासना कीजिए, आप वाणी भूषण बन जाएंगे। लक्ष्मी की उपासना कीजिए, आप धनवान हो जाएंगे। दुर्गा की उपासना कीजिए, आप शक्तिवान हो जाएंगे। इन नवरात्रों में भी जो लोग नवरात्र करते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, माँ के आगे प्रणाम करें, निवेदन करें। एक बात और बता दें आपको, जो माँ के सामने आरती करें, बाती जो बनती है दो प्रकार की होती है, एक फूल बाती होती है, फूल बाती हमेशा देवताओं को समर्पित होती है। देवी के लिए इन 9 दिनों में आप लंबी वाली बाती बना करके वो जलावे। तो साथियों, ये दुर्गा सप्तशती जो है निश्चित रूप से उन लोगों के लिए है जो इस मार्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन जो सामान्य जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए वही नवरात्र 2 प्रमुख हैं, लेकिन हर दिन ईश्वर का होता है, प्रतिपल होता है। ऐसी स्थिति में आप इन दिनों में भी अपने 9 वही नाम याद रखिएगा जो हमारे शैलपुत्री से प्रारंभ होकर नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता तक जाते हैं, उनकी उपासना कीजिए। नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन गुप्त नवरात्र कहा गया है छिपा कर। और जो लोग कामना लेकर के, सिद्धि लेकर के, तंत्र मंत्र की सिद्धि लेकर के, वशीकरण लेकर के का लक्ष्य लेकर चलते हैं, उनके आगे भी एक शर्त है, उन लोगों से मेरा निवेदन है इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, माँ आपको शक्ति प्रदान कर दे,
जिसे आप सिद्धि बोलते हैं, मगर मेरा मानना तो यह है जिनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उन सिद्धियों का दुरुपयोग कर देते हैं, चाहे यक्षिणी हो अणिमा गरिमा हो, वो उनका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि फिर वो उसी देवी से जबरदस्ती काम करवाते हैं, और किसी जबरदस्ती आप काम करवाएंगे तो वो माँ प्रसन्न नहीं होगी। कोई व्यक्ति, हम किसी गला दबा करके काम तो करवा लेंगे लेकिन वो हमसे खुश नहीं होगा, और ऐसे व्यक्ति जब शक्ति रहित हो जाते हैं, जब उनकी वृद्धावस्था आती है, तो उनको नाना प्रकार की पीड़ाएं और क्लेश के साथ तड़पते हुए मृत्यु को प्रतीक्षा करते हुए मैंने स्वयं देखा है। इसलिए सात्विक भाव से रहिए, माँ कृपा करेगी। अरे माता अखिल मनुष्याणाम देवता नाम देवंचनम, माता तो सबसे बड़ी है, पुत्र को पुत्र हो जाता है लेकिन माता को माता नहीं होती, उससे तो प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगा। तो ये नवरात्र गुप्त नवरात्र हैं, गुप्त माने छिपा कर रखे गए हैं, हमारे शास्त्रों ने छिपा कर रखा है। इनमें यदि पूजा भी करनी है गृहस्थवानों को, हमारे सब जैसे लोगों को, तो माँ की एक बार पूजा तो कीजिए लेकिन अपने वही नौ देवियों के नाम पर पूजा कीजिए, बाकी सारी चीज़ें यथावत चलाइए जैसा चल रहा है। इसलिए बहुत परेशान या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार चार, दो हमारे प्रमुख नवरात्र वो हैं और दो ये गुप्त नवरात्र हैं, एक आषाढ़ के महीने में और एक माघ के महीने। आषाढ़ में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक और माघ में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर नवमी तक जाते हैं। इस प्रकार ये चारों नवरात्र हैं। माँ आप सब पर, हमारे दर्शकों पर कृपा करें, उनका कल्याण करें, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबको उस माँ के चरणों में विनत करते हुए माँ से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जय श्री अम्बे।